गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप घर बैठे बैठे एक ब्रांड न्यू आईफोन जीत सकते हो। आप वेट ही करते रह गए और ये देखो, और सुमित कुमार फ्रॉम गाजियाबाद को ये मिल भी गया। इनके चेहरे पे तो खुशी एकदम झलक रही है। तो ये मौका फिर से आया है, वीडियो पूरा देखते रहना भाई। ये वाला जो फ्रिज है ना, ये लेके चलते सुनो तो इसको ना चद्दर में बांध लेते, चद्दर भी आ जाएगा, फ्रिज भी आ जाएगा। हाँ नहीं, मैं सोचता हूँ चद्दर में तो नहीं आ पाएगा। तो इसको एक काम करता है, खिड़की से बाहर फेंक दे। अब वैसे भी 5 सेकंड, सुनो इधर से देखते हैं हाइट कितना, हम फ्रिज चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। कैच कर लोगे? सुनो तो ये तो होटल के सीधे बाहर जाएगा, मैं इधर गाड़ी लेके आता हूँ, शीशा तोड़ के। हाँ गाड़ी टूट जाएगी। अरे गाड़ी नहीं टूटेगी, पक्का। गाड़ी उधर लेके आता हूँ और फ्रिज गैप कर देते हैं। चलो नीचे जाओ, मैं कैच कराता हूँ। ठीक है, मैं जो जाता हूँ, मैंने गाड़ी लेके आ रहा हूँ, गाड़ी की चाबी कहाँ है। चलो भाई फ्रिज चोरी करने चल रहे हैं। भाई हम हो चुके हैं रेडी, पीछे से बहुत रोशनी आ रही है हम। अरे यार बाथरूम का दरवाजा खुला है, आदमी व्लॉग भी नहीं कर पा रहा है। हम हो चुके हैं रेडी, नहीं है वो स्विमिंग पूल है, मुझे लगा कोई आ गया। भाई हम हो चुके हैं रेडी, 3 बार बोल। टू टू कहाँ से बज रहा है भाई? मैं क्या हूँ, बेल क्यों बज रहा है? और बेल बज रहा है तो बाहर कोई है क्यों नहीं? अरे जल्दी चलो, पनवेल निकलना है। भैया भैया भैया, आपका फ्रिज यहीं पे, हम फ्रिज नहीं ले जा रहे, ठीक है? फ्रिज में आपका कुछ रहेगा तो। और ये इनकी नौकरी खा गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजकुमार। राजकुमार जी की नौकरी खा चुके हैं ये देख रहे हो विकास दयाल को। तो यहाँ ना ऑर्किड होटल से हम निकल रहे हैं और ऑर्किड होटल में सर हमें मिले। सर थैंक यू, इट वॉज एन अमेजिंग स्टे। और बहुत सारे और लोग भी मिले, मतलब सुबह से वेट कर रहे थे। हाँ इधर भी बहुत सारे लोग, एंड हमें ना खाने के लिए भी बहुत मिला। और एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, लेट्स एक्सप्लोर द अनसीन। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं सीधे, अपन ने लगाया मुंबई के होटल का डेस्टिनेशन। यहाँ से कितना टाइम दिखा रहा है, बस 150 किलोमीटर और 2.5 घंटे बस मुंबई के ट्रैफिक में ना फंसे। ट्रैफिक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुंबई आते तो आप अपनी मर्जी से हो, लेकिन चलते ट्रैफिक की मर्जी से हो। ट्रैफिक जिस हिसाब से होगा उतना टाइम लगेगा। बाकी ये कहाँ थे मनोज भाई, गोली दे दिया क्या? वाकड़ी कहीं, वाकड़ी में थे, तो अभी वाकड़ी जा रहे हम लोग। अब मुंबई हमारा ना आज निकलने का एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि फास्ट एंड फ्यूरियस X का स्क्रीनिंग हो रहा था पुणे में, और वो हो रहा था IMAX थिएटर के अंदर। अब देखो मूवी देखने के लिए ना हम कल भी देख सकते थे दुनिया से 2 दिन पहले, बट हम मूवी फिर भी दुनिया से 1 दिन पहले देखेंगे, बट देखेंगे एक अलग तरीके से, और वो हम देखेंगे मुंबई में। तो मुंबई में ना आज हमारा एक इवेंट है, और इसी दोनों इवेंट के कारण ना हम पुणे और मुंबई गाड़ी से ट्रैवल किया, क्योंकि भाई गाड़ी से ट्रैवल करने का फन ही अलग है। अदरवाइज पुणे से तो सीरियसली यार मोहब्बत है, मुंबई से मुंबई वाले बुरा मत मानो, मुंबई से भी उतनी मोहब्बत है। मतलब इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र में यार, अभी जैसे बारिश स्टार्ट होगी ना तो फिर मैं गाड़ी लेके आऊंगा भाई। उस समय अगर आप महाराष्ट्र गुजरात आते हो, इतना सुंदर, कहीं भी चले जाओ भाई, किसी भी गली में घुस जाओ, आपको ना नेचुरल जो ग्रीनरी है ना भाई, ताबड़तोड़ मिलती है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे से कदर थे फिर भी हसन। अब जितने देर में अपना डिस्टेंस यहाँ से कवर हो रहा है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। 18 मई को इंडिया T20 लीग का मैच है, बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद। तो इस मैच से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए गए My11Circle ऐप के लिंक से जाके ऐप को डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाओ। My11Circle ऐप को डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। और इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फी मात्र 1 रुपए है। और गुरु ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 18 तारीख के मैच के लिए वैलिड है, मेरे लिंक से ही एक्टिवेट होगा और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। टूर्नामेंट के हर मैच डे पे मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो फर्स्ट प्राइज में 1 करोड़ रुपए। अब सोच भी लेना कि इतने धनराशि का करोगे क्या। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी जाके डाउनलोड करो My11Circle ऐप को, और मेरा कूपन कोड जो कि आपके स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है उसको यूज करो, ताकि आपको मिले 20% एक्स्ट्रा कैश
ऑन योर डिपॉजिट। और गुरु इतना ही नहीं, इसके साथ आपको मिलता है 1500 रुपए का बोनस कैश। तो भैया वेट किस चीज का कर रहे हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक डाल दिया, वहां से जाके अभी डाउनलोड करो माई 11 सर्किल ऐप को और अपनी टीम बनाओ बैंगलोर वर्सेज हैदराबाद मैच के लिए। यहाँ पे रुके हम, ये देखो है? ये है खतरनाक गाड़ी, लग रही है ना अगली यही आएगी, अगली यही आएगी। चलो सही है, हम भी फिर नहीं, हम तो यही रखेंगे भाई। अच्छा। हम तो ये वाली गाड़ी से हमें बहुत ज्यादा प्यार है। देखो जीएलसी जीएलसी है लेकिन फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। चलो अभी यहाँ पे ना कुछ खाने के लिए रुके। एक्चुअली मनोज भाई ना आई नहीं यार, वो ना पहुंचे ही नहीं भाई। ये देखो ये तो जीएलसी पीछे से ना, हाँ एकदम थोड़े से बची हुई है यार। ये बड़ा ही ये है, बहुत पुरानी है विकास भाई। हाँ एएमजी भाई, मैंने तो इसीलिए आगे करके लगाई, मैंने कहा भाई रिस्क ही नहीं लेना। ये तो पीछे ये पिलर है ना, ये दिखते नहीं है। आगे धूप इतनी ज्यादा है ना, मतलब इतनी ज्यादा। अभी गाड़ी में एसी में बैठे ना तब तो ठीक है, जैसे ही बाहर उतर रहे ना भाई साहब सीरियसली गजब धूप लग रही है यार। मनोज भाई पीछे रह गए थे कहीं पे, हम ना थोड़ा कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हुआ, तो अभी वो आ रहे हैं, इधर ही आएंगे, उनके लिए भी हम ऑर्डर कर देंगे, फिर वो फटाफट यहाँ से खा के निकलेंगे। उनका कुछ काम है मुंबई का और फिर वो वहाँ से अपने घर चले जाएंगे धुले। पूरे टाइम फ़ोन पे लड़कियों से बातें करते रहते हो, लो समोसा चाट खाओ, मस्त है। पुणे में रहते हो कुछ तो चाट वाट खा लिया करो, मुंबई का फेमस है। भाई आज किस्मत इतनी जबर है ना अपनी, पता है क्यों? क्योंकि अपना होटल यहाँ से है 23 किलोमीटर और अपने को प्यारे पेटीएम फास्टैग लगता है टोल कट गया ना। चलो कोई बात नहीं। अरे अच्छा पेटीएम का मैसेज पढ़ने लगी ना, कोई बात नहीं। 22 किलोमीटर के लिए अपने को सिर्फ 40 मिनट लग रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ भगवान कितना मेहरबान है, इतने धूप में कोई निकलना ही नहीं चाह रहा है ना। जिसका काम है कह रहे शाम में टक करेंगे भाई। मिला जुला के हमारी ड्राइव भी बहुत अमेजिंग रही यार। मतलब सुबह ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं किस टाइम पे मुंबई एंटर करेंगे। मुंबई से बहुत डर लगता है भाई, मतलब स्पेशली ट्रैफिक से। मतलब कुछ भी हो ना, जहाँ पे आपका काम है ना उसके पास रहो, बहुत दूर रहोगे तो पहुँच ही नहीं पाओगे। पता ही नहीं चलता। एक बार लास्ट टाइम जब फॉर्च्यूनर का मुंबई आते वक्त एक्सीडेंट हुआ था भाई, 3 किलोमीटर के लिए 3.5 घंटे दिखा रहा था। ये छोटा ताजमहल यहाँ पे बनेगा, L&T बना रहा है, उसके बाद यहाँ पे सारे हाथ कटवा देंगे मजदूरों के। ऐसा नहीं लग रहा कि रेलवे हम फॉर्च्यूनर नहीं चला, ट्रेन का इंजन चला रहे हैं। मैं लोहे वाले प्लेटफॉर्म पे चला रहा हूँ, ऐसा स्पीति वाली याद आ रही है। स्पीति पहुंच गया, कुलाबा इज मुंबई का स्पीति, वेर यू फाइंड आयरन ब्रिज। हम सही जा रहे हैं ना, इसमें तो यहाँ पे मेरे को रेड लाइट क्यों नहीं दिख रहा है भाई, यहाँ पे रेड लाइट ही नहीं दिख रहा है। मैं तो जो गाड़ी आगे चल रही है, अगर वो चल रही है तो चल रही है, रुक गई तो रुक गई, मैं तो उसके पीछे लगा के चल रहा हूँ भाई। अभी अपनी गाड़ी ना हम स्टेशन पे पार्क कर देंगे और यहीं से देखो ये सामने ट्रेन दिख रही है आपको, हाँ ये पा, ये तो ट्रेन की, अच्छा पीछे बस की आवाज़ है ना, मैंने कहा ट्रेन की आवाज़ क्यों चेंज हो रही है यहाँ पे। तो हम ना ट्रेन पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं, इधर कहीं गाड़ी पार्क कर देते हैं पहले और फिर सामान लेके ट्रेन में बैठ जाते हैं, लोकल ट्रेन में, मुंबई की लाइफ लाइन। ये हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना, हाँ बहुत सही। अरे ये तो क्रिकेट ग्राउंड है, ये तो बहुत बड़ा है, इधर क्या करेगा इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी इधर क्या करेगा। हम लोग आ जाओ मनोज भाई, वो देखो वो एक उधर बैठो, वो एक्यूपंचर है। हाँ वो होता नहीं है एक्यूपंचर वाला पैर में, उसके ऊपर चल, सामान ना फिसले। हाँ बंदे को भी लेटा सकते हो आप, जैसे किसी को बॉडी में पेन हो रही हो। हाँ लेटा लेटा के जाओ ना, मन मोजे पहन के कहाँ जा रहे हो बाहर। हाँ लिफ्ट आ गई हमारी, लिफ्ट भी कितनी पौराणिक है ना, पौराणिक हड़प्पा के खुदाई से निकली है ना लिफ्ट। हाँ हेरिटेज वाली पहले बाहर वाला दरवाजा बंद कर, देख रहे हो टाइटेनियम से बनी हुई है भाई। इसमें ना एक चीज का डाउट है, ये नहीं, ये बताओ कैसे। हाँ अब इसको देखा
डीजल लबालब ऊपर तक, ऑटो कट से ऊपर तक, ठीक है भैया लबालब समझ के। बहुत जगह ना लबालब लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली लबालब क्या होता है, लेकिन हम हमेशा लबालब करवाते हैं ना, लबालब करा के, क्योंकि डीजल कम हो गया था भाई। ये चौथा टैंक है, जी 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 बिल्कुल चौथा टैंक है जो इसमें डीजल लग रहा है। मतलब अभी तो ये डीजल अपन को आई थिंक गुजरात पहुंचा देगा। हाँ गुजरात से पहले लेने की जरूरत है, फिर गुजरात में लेंगे। हम दोनों भाई का ना लाइफ में सपना है कि ऐसा घर हो सी फेसिंग। अभी तो आपको सी कुछ नहीं दिख रहा, अभी तो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, बट घर ऐसा ही हो। भाई साहब मेहनत कर रहे हैं और करेंगे और ज्यादा करेंगे, बट कभी ना कभी फ्लैट तो ले लेंगे। अरे फ्लैट भी पता नहीं कितने का आएगा, चलो पीछे ले लेंगे थोड़ा सा, ऊपर वाला तल्ला दे दो, तभी तो क्या ऊपर से भी नजर आएगा तब भी चलेगा, चलेगा चलेगा। और बोलेंगे कि आगे किसी को देना मत। आई डोंट थिंक 50 करोड़ से कम का होगा। 20 करोड़ रुपए का मिल रहा था भाई पहले। क्या बात कर रहे हो, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। अरे यार 20 करोड़ तो मैं जेब में लेके चल रहा था पहले, बता बस 20-1 करोड़ का मिल रहा था, मैंने कहा अच्छा। भाई तो हम पहुंच गए हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव जहां पे हमारा इवेंट है। तो अपनी गाड़ी ना ऊपर लग रही है, और एक्चुअली यहां पे ना दो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन मैं आपको भी बताता हूं। पहले अक्षय भाई से मिलते हैं, अक्षय भाई का फोन आ गया था और वो यहीं पे कहीं पे थे, फर्स्ट फ्लोर पे ही थे। हेलो रजिस्ट्रेशन प्लीज। अच्छा दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। हाँ तो अभी कैसे ऊपर लाइनअप चालू है, ठीक है, इफ एवर वहाँ पे होगा ना पॉसिबिलिटी टेक यू, तब तक अब यहाँ पे पार्क कर दे। फ्लोर पे आ गए, हमें खुद भी नहीं पता, बट हम काफी ऊपर आ चुके हैं। हाँ अरे सूरज के पास आ गए क्या, काफी ऊपर लग रहा है। ओहो यहाँ पे, यहाँ पे ना सारा इंतजाम। भाई हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ना ये सबसे पीछे वाली लाइन है, ये सारी की सारी SUVs पार्क्ड है यहाँ पे, जी वैगन और जितनी भी SUVs है ना ये सारी, अच्छा एक हमारे सामने भी आ गई, तो जितनी भी SUVs है ना ये सारी की सारी इधर पार्क्ड है। फिर इस लेन में पार्क्ड है थोड़ी सी लोग ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी, क्योंकि हम हाइट पे और वो सामने वहाँ पे जहाँ पे मूवी की स्क्रीनिंग होगी। तो ये वाला जो पूरा सीन है ना भाई, क्रेजी सीन है। एंड पहले था कि हम नीचे पार्क करेंगे एंड देन यहाँ पे सीटिंग होगी 80 पीपल की, लेकिन अब हम गाड़ी में ही, हम गाड़ी ऊपर लेके आए, अक्षय भाई से हमने कांटेक्ट किया और अक्षय भाई ने हमारा जुगाड़ करा दिया, यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड इससे पहले कि मूवी स्टार्ट हो, मैं एक बार सोचा कि आपको लाइनअप दिखा दे। देखो क्या अमेजिंग लाइनअप है यार, मतलब यू सी द कार एंड यू विल फॉल इन लव विद इट, मतलब इतना अमेजिंग लाइनअप है। अब हम सबसे पीछे इसलिए क्योंकि एक तो थोड़ा एलिवेटेड है, प्लस हमारी गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि मूवी तो प्ले होनी है उधर, ये गाड़ियाँ लगी है उल्टी, तो एग्जैक्टली देखेंगे कैसे, मतलब खड़े होके देखेंगे, बाहर खड़े होके देखेंगे कैसे देखेंगे, वो अभी नहीं समझ में आ रहा, बट लेट्स सी। बहुत ही अमेजिंग लाइन अप, लुक एट दिस यार, क्या ज़बरदस्त है। बस ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, मतलब लिप लगा हुआ है ना, अभी तो अपनी गाड़ी में भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। वी हैव ए फरारी, मेजराटी, मैकलारेन, बहुत ही अमेजिंग। पता है यहाँ पे ना आके इतना ज़्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कुछ भी कह लो, बट इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड होना कि भाई लाइफ में ना देखो फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है, बट ऐसी ना एक स्पोर्ट्स कार टू सीटर टाइप्स ये वाली भी गाड़ी होनी चाहिए यार। मतलब कभी ऐसा इवेंट हुआ तो BMW 340i भी लेके आ सकते थे, मतलब वो भी परफॉर्मेंस कार है, बट एक टू सीटर, मतलब ये देखो हमारे सामने एक पोर्शा है, और मतलब ये तो चलो बॉक्सटर या नहीं SLK है, पोर्शा नहीं है, SLK है, मर्सिडीज़ SLK है। ओ लाइट भी जल गई, तो इस टाइप की ना एक गाड़ी, या फिर पीछे जी वैगन दिख रही है, मतलब वो जो वाइब है ना यार कि भाई हाँ गाड़ी है भाई, तो देखने भी लगे ना कि गाड़ी कौन सी लूँ। मैं कह रहा था G63 ले लो, इतना पैसा लेके पता नहीं कहाँ जाएगा आदमी। किससे बोल रहा हूँ, बस काट दूंगा ना ये। लेकिन वो कल वाली पंजाब वाली गाड़ी नहीं आई भाई। ये आ गया कि 88.5 FM पे ट्यून कर लो,
अपने घर। अरे तू चुप रह रे, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों चिंता का विषय है। चिंता का तो विषय है बहुत ज्यादा विषय है भाई। मेन्यू से 88.5 सोच रहे थे कि पीछे से आके खाना लेंगे। ये आज हमें ना एक भाई मिले थे, उन्होंने हमें चकली वकली दिया था प्लस मखाने हमारे पास ताबड़ तोड़। मतलब मखाने से अच्छा क्या हेल्दी, पानी वानी है ही ना हमारे पास, प्रोटीन बार और खाने के लिए बहुत सारा सामान है भाई। भाई मजा आ रहा है, मतलब गाड़ी में बैठे हैं, वेंटिलेटेड सीट, सामने स्क्रीन चल रही है और आवाज, मतलब जैसा म्यूजिक सिस्टम आपकी गाड़ी में रहेगा ना, और चचली भी जैसा म्यूजिक सिस्टम आपकी गाड़ी में रहेगा वैसा, और आप अपने हिसाब से आवाज़ बंद भी कर सकते हो अगर जस्ट इन केस आपका फ़ोन आ गया तो। कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा है, सारे लाइट्स वगैरह ऑफ है, एक दो लोग हैं जो इधर उधर कर रहे हैं, बट कोई टेंशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं मूवी देखते भाई। जी अब यहाँ से ना मोस्ट ऑफ द लोग निकलेंगे, प्लस मनोज भाई भी ना अकेले वेट कर रहे हैं, तो हमने प्लान किया था कि डिनर हम साथ में करेंगे। तो अभी यहाँ से ना हम प्लान कर रहे हैं कि हम निकल ही जाएं और फिर सीधे 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 यहाँ से हमें जाने में भी टाइम लगेगा। बाकी आज वेदर अच्छा था, थोड़ा ह्यूमिड था क्योंकि विंडोज़ पर भी ना अंदर से एसी चल रहा था ना, तो विंडोज़ पर भी ह्यूमिडिटी आ रही थी। हाँ हाँ अब देखो ना ये दिख रहा है ना, ये ज़बरदस्त चीज़, मज़ेदार भाई। इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ देख के ना तो फील आ जाती है। जगह है, इट्स ब्यूटीफुल। यू नो व्हाट, हमें हर साल कम से कम अपने होटल, और इस होटल पे मत आना भाई क्योंकि इस होटल से कल हम चेकआउट कर जाएंगे। और यहाँ पे मनोज भाई को उठा ले, मनोज भाई बोर तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। चले एक बार ऊपर फिर चलो, और उसके बाद फिर गेड़ी मारने, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही बड़ा सरप्राइज आ रहा है नेक्स्ट व्लॉग में। चलो भाई करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे खत्म। डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्किल ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में छोड़ा है, और वहां से जाके डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना ताकि आप जीत पाओ एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। और जी आप जीत सकते हो 1 करोड़ रुपए इन फर्स्ट प्राइस, प्लस 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, एंड 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दिया है।